मैंने इससे पहले वीडियो में ये छोटी छोटी गोभी थी जब लगाई थी पनीरी लाके, वो दिखाई हुई है, वो वीडियो मौजूद है मेरी। अब ये इसको 2 महीने लगे हुए हो गए, तो इसमें देखें ये कितने खूबसूरत ये फूल बन रहे हैं। इसमें ये फूल गोभी है, ये इसमें ब्रोकली का ये पौधा है दरमियान में, ये अभी नहीं बनना शुरू हुआ। तो ये देखें आगे कितना बड़ा है, ये 1.5 किलो का तकरीबन फूल होगा जो एक गमले में, ये छोटे से गमले में, ये देखें फूल गोभी का 1.5 किलो का ये फूल होगा। तो इसको हम इंशाल्लाह कल या परसों इसको हम हार्वेस्ट करेंगे और इसको पकाएंगे। साथ ही ये और बन रही है, ये सारा मेरा खेत ये गोभी का है, साथ और बन रही है, सारे फूल गोभी का है। तो ये को इतनी ज़्यादा खर्चा मेरा नहीं आया इस पर, ये गमले घर में पड़े हुए थे, देखें यही गमले हैं, और वो ये गमले मेरे शापर में लगाए हुए, ये देखें शापर में, तो ये शापर में भी चल जाते हैं पौधा, जिसमें लगा दें उसी में हो जाता है। अल्लाह ने थोड़ी सी खेचल करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत, तो अल्लाह मियाँ ये इसको बारा शुरू कर देता है। और जो देखें कितना प्यारा, ऐसी गोभी कभी बाज़ार से नहीं मिलेगी, ये साफ पानी की और साफ खुराक की, इसको बिल्कुल खाद नहीं डाली हुई। अगर मैं खाद डालता तो इससे ये इतना फूल होता, जैसे बाहर बाज़ार में मिलता है उतना बड़ा फूल होता, बिल्कुल खाद नहीं डाली। इसमें सरसों खली डाली हुई है और ये काओ डंग डाला हुआ है जिसको रूढ़ी कहते हैं हम अपनी जुबान में, बस यही 2-3 चीज़ें डाली हुई हैं और कुछ नहीं। ये मेरी उधर से टीब निकलती है जो कंपोस्ट में रहता हूँ वो डालता हूँ, तो और इसमें खाद नाम खाद दिखाई भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये बग़ैर खाद के और बग़ैर दवाई के, दवाई भी कोई नहीं छिड़की है, यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरा पानी है, खाद जिसको ना लगेगी यूरिया वगैरह उसको बीमारी भी बहुत कम लगती है। तो ये मैंने सारा ये मेरा खेत गोभी का जो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता रहेगा और हम इसको खाते रहेंगे, ये इंशाल्लाह कई हंडियाँ हमारी बनेंगी। और इसको मैं अभी जो गमले खाली होंगे तो अभी एक सीज़न और लगेगा गोभी का, तो फिर मैं ला के पनीरी लगा दूंगा और वो इंशाल्लाह 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद वो भी तैयार हो जाएगा। इसको 2 महीने और 10-12 दिन की से ये सिर्फ पौधे हैं ये जो सारे, तो इनमें इतने इतने फूल बने हुए हैं, कुछ में छोटे बने हुए हैं वो और तरह की है, ये बड़ी गोभी का पनीरी है। ये पनीरी के लिहाज से ना उसकी वैरायटी के लिहाज से कोई छोटे रह जाते हैं कोई बड़े होते हैं, ये बड़े वाले हैं उधर भी पड़े हैं, तो इधर ये पूरा मेरा ये सेक्शन जो है गोभी का। तो इंशाल्लाह ये गोभी हार्वेस्ट करेंगे कल या परसों, तो फिर इंशाल्लाह इसको पकाएंगे और खाएंगे। चलो जी।